समर रेडी सेल जियो मार्ट पर श्रीमती जी तो खुश हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, चाय ठंडी कर दी है तो। फोन ओहो 5 मिनट बाकी है, उठाना पड़ेगा। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, सर आदेश करें। एसी लगवाना सर? सर एक पूरे ऑफिस में लगा दो सर, गर्मी तो बहुत थी। अच्छा सिर्फ केबिन में लगाना सर आपके, कोई दिक्कत? 2 टन का हो जाएगा सर, कल लग जाएगा। नमस्कार जी, जी नमस्कार। साहब को ठंडी लग रही है भाई, एसी लगवाना है। अरे योगी सुन। जी सर। क्यों यार, तेरा भाई काम करता था ना कोई एक दुकान में एसी की? हाँ सर, कूल हाउस में करता है ना। कूल हाउस, कूल हाउस, कूल हाउस, नाम तो बहुत बढ़िया रखे हो। नंबर बोलिए तभी कूल हाउस का। 9898 भारत आंदोलन लिमिटेड से बोल रहा हूँ मिश्रा जी। हमें 1-2 टन का एसी चाहिए आपके यहाँ पर। क्या नाम, नाम क्या लड़के? सर पुष्पा। पुष्पा कूल हाउस में फायर। कायरे साहब, मेरे को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं क्या? क्या बात है, बहुत अच्छे। पुष्पा से बात करें। पुष्पा नमस्कार, मिश्रा बोल रहा हूँ भारत आंदोलन लिमिटेड से, तुम्हारे भाई की ऑफिस योगी। बेटा 1-2 टन का एसी लगवा देना कल तक। हाँ हाँ, वैसे वैसे सब करवा देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज पास बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भारत आंदोलन लिमिटेड, चिंता ना करो। एसी लगवा देना, कौन सा लगाओ? जीएल कंपनी का। कितने का है 2 टन? 40,000? ना ना ना, 50 का बजट है, 40 का क्यों लगाएं? कैसी बात करते हो? अच्छा यो जनरल का है, यो कितने का है? 48,000, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, ये लगवा दो। कोई ऑफर ऑफर है? अच्छा अच्छा, कोई नई कंपनी आई है, क्या ऑफर है? अश्योर्ड थाईलैंड ट्रिप, अश्योर्ड थाईलैंड ट्रिप, अश्योर्ड थाईलैंड ट्रिप। कितने लोगों की? 1? ये तो और भी बढ़िया। अच्छा पर ये मिलेगी किसे? कंपनी के नाम से आएगी क्या? नहीं, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम से। बहुत बढ़िया बेटा, ये तो अच्छी लग रही है ऑफर। कंपनी तो अच्छी होगी, अगर तुम बेच रहे हो तो क्या बुराई होगी। यही करवा दो। हाँ हाँ यही करा दो, डन है। हाँ व्हाट्सएप कर देते हैं, नाम टिकट किसके नाम से बुक करानी है, बस बिल में कहीं लिखना मत। अच्छा और तुम्हें इसमें सेल में कोई कमीशन वगैरह मिलता हो तो रख लेना बेटा, योगी के भाई हो तुम, अपना ही आदमी है योगी। हाँ योगी। जी सर, जी सर। तुम रख लेना बस, ये टिकट करवा देना बेटा और एसी कल लगवा देना, सेल को गर्मी बहुत लग रही। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, जीते रहो, खुश रहो। अच्छा चलो, अच्छा एक बात बताना, ये बैंकॉक थाईलैंड में ही आता है ना? हाँ एसी तो लगवाना था, वो फाइनल करना है। मैं कर दूँ? ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं मैं जाके देख के आऊंगा ना, फोन पे नहीं समझ में आता ऐसे, बहुत सारी चीजें रहती, सब पूछना पड़ेगा। मैं जाके देख के आ जाऊंगा। हाँ मैं करवा देता हूँ। ठीक है। हाँ नितिन भैया कैसे हो? अरे एसी लेना था यार अपने। हाँ 2 टन का चाहिए यार, बताओ ना क्या चाहिए। 48 का वो वाला, वो 50 महंगा क्यों है? कलर का चलो छोड़ो, आप कलर छोड़ो यार। 48 जीएल का तो मैंने देखा 40,000 का आ रहा ना। अरे कि क्या वारंटी 10 साल की? नहीं 10 साल क्या, मशीन की है या आउटडोर यूनिट इंडोर दोनों की? अच्छा तो यार पीसी भी खराब हो जाती है, वो जो उसका यूनिट आता है वो बोलते हैं उसकी 3 साल की वारंटी है। ठीक है उसमें तो 1 साल की। और स्टार रेटिंग कितनी? अच्छा ये तो 3 स्टार दिख रहा है, पर 3 में क्या है? 3.5, 3.9, 3.1, क्योंकि ये तो पॉइंट्स में होती है ना स्टार रेटिंग, ये तो सिर्फ दिखाने की बात होती है। अच्छा ये 3.9 है, मतलब ये ऑलमोस्ट 4 स्टार हो गया। 48,000। अच्छा कुछ चीजें और बताओ, फ्लो कितना है इसका? अच्छा 12 फीट। और कॉपर वायर कितना आएगा? 10 फीट का, उसके साथ इलेक्ट्रिक फिटिंग भी आएगी उसकी। ओके और जीएसटी बिलिंग दोगे? क्रेडिट का कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके
और बंदा आके लगा के जाएगा ना, इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड है इसमें? नहीं, इंस्टॉलेशन अलग से नहीं लेंगे भैया, और इंस्टॉलेशन में थोड़ी मेहनत लगेगी अपने ऑफिस में, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। और फाइनल रेट बता दो। अरे नहीं भैया ऐसा नहीं चलता। अरे आप जो भी लगा सको, जो भी कम से कम, अरे 500 रुपए कम मत करो, इससे तो बढ़ा के ले लो। 47 फाइनल नहीं भैया, रुको आप कम कर दिए हैं तो पहचान निकालते हैं। हेलो अजी सिंघानिया जी, ये नितिन भैया की दुकान पर आया था, जरा बात करें। क्यों नितिन भैया, सिंघानिया जी अपने परिचित है, अंकल है हमारे, आप लगाए उनके यहाँ 15 एसी कर दो, कम कर दो, जो 45 500 फाइनल देख लो, 45 राउंड कर दो यार, कुछ नहीं होता है। चलो चलो ठीक है, 45 कर दो यार, 45 500 चलो कोई दिक्कत। अच्छा साथ में रिमोट कंट्रोल तो आएगा ना, वो तो नहीं छूटेगा, तो कोई ऑफर ऑफर हो कूपन दबा देना, वो भी लगेंगे अपने को। तो छोड़ो यार ऑफर ऑफर नहीं चाहिए, प्राइस कम कर देना जो कम से कम। ठीक है, थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा कि एक सरकारी अफसर जब सरकारी दफ्तर में बैठ के सरकार का पैसा यानी जनता का पैसा खर्च करता है, तो हो सकता है वो उसमें उतनी ड्यू डिलिजेंस ना अप्लाई करे जितनी अगर वो खुद का पैसा खर्च करता तो लगाता। समर रेडी सेल जियो मार्ट पर, श्रीमती जी तो खुश हो जाएंगी। और इसलिए जरूरी है कि ऐसी एंटिटीज का जब ऑडिट किया जाए तो ऑडिटर खास तौर पे इस बात का ख्याल रखे कि वेदर द वर्थ ऑफ मनी हैज बीन रियलाइज्ड, वेदर देयर हैज बीन एनी वेस्टफुल अवॉइडेबल इनफ्रक्चस एक्सपेंडिचर व्हिच हैज बीन डन, एंड दिस इज व्हाई ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम। आइए शुरू करते हैं। ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सबसे पहली बात, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में क्या क्या शामिल होता है। इट वुड इंक्लूड 1 government companies like BSNL, MTNL, 2 government corporations like Life Insurance Corporation, General Insurance Corporation, and 3 it would also include departmental undertakings like Department of Railways or Department of Revenue, which will include your income tax. In sabhi ka audit kaun karta hai? There is one person who is appointed as auditor for all these entities known as कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CNAG कौन है ये? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ पोस्ट हेल्ड बाय वन पर्टिकुलर पर्सन लाइक द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। और ये बड़ा ही पावरफुल व्यक्ति है दोस्तों, क्योंकि इसका अपॉइंटमेंट सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है। एंड जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होता है, सिमिलर नेचर में इसका अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किया जाता है। आर्टिकल 149, जैसे ही हम इस तरह के व्यक्ति का अपॉइंटमेंट करेंगे तो उसके पावर्स एंड ड्यूटीज की बात करेंगे। सो 149 सेज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन विल डिफाइन द पावर्स ऑफ ड्यूटीज बाय मेकिंग रूल्स, एंड CNAG DPC ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1971 प्रिस्क्राइब द role of CNAG, which primarily includes two things, which is given under article 150 and 151 respectively. 150 says CNAG will now give recommendations. Kaisi recommendations? Kaise kis format mein accounts prepare karne? To ye advice dega alag alag ministries ko, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन स्टेट। एंड 141 सेज दैट द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ CNAG शैल बी सबमिटेड। किसे दी जाएगी? क्या CNAG स्टेट वाइज और सेंटर वाइज अपॉइंट होता है? नहीं, दिस इज वन फॉर द होल कंट्री। तो सारे सेंट्रल लेवल के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की रिपोर्ट किसे दी जाएगी? प्रेसिडेंट को। और स्टेट लेवल की टू द गवर्नर। इट विल बी पुट अप इन द पार्लियामेंट इन केस ऑफ सेंट्रल लेवल, and it will be put up in state legislature in case of state government. CNAG अपनी रिपोर्ट यहां पे रखेगा तो उसके कार्यकाल के दौरान क्या उसका कोई कम्युनिकेशन, क्या उसका कोई डिस्कशन, क्या सरकार की कोई दूसरी कमिटीज के साथ होगा? तो कमिटीज में CNAG प्ले अ वेरी असेंशियल रोल। अब ये कमिटीज क्या होती हैं? दोस्तों, कई सारी फाइनेंशियल कमिटीज होती हैं सरकार की, जिनका बेसिक उद्देश्य क्या होता है? सरकार के पैसे को कैसे लगाना है, एस्टिमेट्स करना, ताकि उसके बेसिस पे अगली बार बजट में किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को कितने फंड एलोकेट करना है, ऐसी कुछ बातें। तो द मिनिस्ट्रीज
actually submit their reports to this committee. CNDG also submits their report to this committee. तो आप इसको ऐसे समझिए कि कोर में आपकी कमिटीज है, फाइनेंशियल कमिटीज. इन कमिटीज के पास रिपोर्ट कौन दे रहा है? CNDG अपनी रिपोर्ट इनको देता है, जो इनके काम के बेसिस बनते हैं. साथ ही साथ में जो भी आपकी मिनिस्ट्रीज है सेंट्रल स्टेट लेवल की, ये भी अपनी रिपोर्ट इन्हें देता है. और इन्हें जो ये रिपोर्ट दी जाती है, ये इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को बेस बना के अपना काम करके अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं. और ये रिपोर्ट किसे दी जाती है? दिस इज द रिपोर्ट विच इज लेड इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर. अब जब आप पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर को रिपोर्ट देते हो, तो उसमें आपको ऑब्जर्वेशन के साथ रिकमेंडेशंस भी देना पड़ती है. CNDG आपको इन तीनों स्टेज में हेल्प करता है. CNDG की रिपोर्ट कमिटी की रिपोर्ट का बेस बनेगी. मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में क्या लिखा है, उसे समझने के लिए CNDG अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है. और आगे पार्लियामेंट को क्या रिकमेंडेशन देना है, उसमें भी CNDG कमिटी को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है. CNDG का अपॉइंटमेंट 6 साल और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज लेस, तक के लिए किया जाता है. इसको रिमूव करना है तो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अप्रूवल के थ्रू इसका रिमूवल होगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है. इसकी सैलरी या इसकी कोई भी कॉम्पनसेटरी डिटेल्स चेंज करने के लिए भी वैसे ही प्रोविजंस लगेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव या उसकी कॉम्पनसेशन कम करने के लिए लगते हैं. वेरी पावरफुल मैन. कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका CNDG ऑडिट करता है? तो अपन ने देखा था तीन तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, एक गवर्नमेंट कंपनीज, एक गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. आप यूँ समझ लो, गवर्नमेंट कंपनीज और गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस, इन दोनों एंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, इनका ऑडिट CNDG तो करेगा ही करेगा. साथ ही साथ में CNDG उन ऑटोनॉमस बॉडीज का भी ऑडिट करेगा जो ओन्ड या कंट्रोल्ड बाई यूनियन और स्टेट है. और साथ ही साथ में वो उन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस NGO का भी ऑडिट करेगा जो कि सब्सटैंशली फाइनेंस्ड एंड फंडेड बाय गवर्नमेंट है, विच कुड इंक्लूड इंस्टीट्यूट्स लाइक मे बी लेट्स से इंस्टीट्यूट्स लाइक IIMs और IITs. इफ दे आर सब्सटैंशली फंडेड बाय द गवर्नमेंट, देयर ऑडिट में ऑल्सो कम अंडर CNDG. हालांकि ध्यान रखना दोस्तों, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट कंपनी या एंटिटी हो, जैसे कि बैंक, जिसके लॉ के अंतर्गत स्पेसिफिकली ऑडिट करने का पावर अदर देन CNDG किसी को दिया जाए. दिस इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस व्हाट CNDG वुड ऑडिट. गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट अगर CNDG करेगा तो CA क्या करेगा? तो दोस्तों, गवर्नमेंट कंपनी के केस में CNDG हमेशा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करेगा फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट, एज वी हैव डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 5, 6 एंड सबसेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट सबसेक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जाम्स. गवर्नमेंट एंटिटीज में क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा है, तो कई बार नॉर्मल ऑडिट से ज्यादा की जरूरत हो सकती है. ये दिल मांगे मोर कि यार हमें ये नहीं देखना है कि पैसे गलत जगह खर्च तो नहीं हुए, हमें ये भी देखना है कि पैसे खर्च होने से जो रिटर्न मिलना था वो मिला या नहीं. वी वांट टू गेट अ परफॉर्मेंस और अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट डन. फॉर दैट वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट ऑडिट बोर्ड एस्टैब्लिश विच विल आइडेंटिफाई वॉट पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर टू बी फॉर द ईयर कवर्ड अंडर परफॉर्मेंस ऑडिट. दे विल एसोसिएट एक्सपर्ट्स विद देमसेल्व्स फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग दीज पर्टिकुलर ऑडिट्स एंड देन फाइनली दीज पर्टिकुलर ऑडिट्स दे वुड बी डूइंग एंड देयर रिपोर्ट will form part of the CNDG report. यानी audit board as such CNDG के साथ hand in hand function करता है. कुछ ही समय पहले हम बात कर रहे थे कुछ committees की. इसमें कुछ specialized committees हैं जो हमें discuss करना है, particularly 3. Let's first talk about PAC, Public Accounts Committee. जब CNDG अपनी report parliament में देता है, तो दोस्तों किसको देता है? जाके वो पूछेगा कि अरे report ले लो, report ले लो? नहीं. नहीं. CNDG would address the report to the President and give it to the Public Accounts Committee. And that Public Accounts Committee of Parliament, which is basically headed by the opposition party leader, would then look at that report and decide the further course of actions. ये जो रिपोर्ट होगी, ये नॉर्मली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को कवर करेगी. गवर्नमेंट कंपनीज और कॉरपोरेशंस के लिए जो रिपोर्ट होती है, वो नॉर्मली COPPU को दी जाती है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. और इन सब के साथ में एक एस्टिमेट्स कमेटी होती है जो पर्टिकुलरली असेस करती है कि हमारी कंपनी में क्या एस्टिमेशंस, सॉरी हमारी सरकार को एस्टिमेशंस, बजट्स और दूसरे पर्पस के लिए जो बनाना पड़ते हैं, उन पर्टिकुलर पर्पस के लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करके देती है. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, PAC.
ये पीएससी क्या करती है, पी फॉर पर्पस चेक करती है। जिस पर्पस के लिए इसे सबसे पहले चेक करना है कि जिस पर्पस के लिए पैसा ले किया गया था उस पर्पस के लिए यूज हुआ है या नहीं। तो मनी हैज बीन डिसबर्स्ड लीगली फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज लेट। पी ए ऑथराइजेशन, ये चेक करती है कि पैसा जो ले किया गया है वो ऑथराइज था या नहीं। एंड सी करेक्टनेस ऑफ व्हाट, तो एनी अप्रोप्रिएशन और रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड शुड बी मेड राइट एज पर करेक्टली एज पर द पर्पस फॉर विच द फंड्स वर लेट डाउन। तो डिपार्टमेंट के केस में हम नॉर्मली ये चेक करेंगे कि पैसे का सही यूज हुआ है या नहीं। लेट्स कम टू द अदर सिमिलर कमिटी, कोपू, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। कोपू गवर्नमेंट कंपनीज और डिपार्टमेंट की है, इसलिए इनके पास नॉर्मली क्या काम होगा, इनके अकाउंट्स चेक करना। तो ये चार चीज़ें करती है। नंबर वन, अकाउंट्स विच आर सबमिटेड टू देम दे'ल रिव्यू दैट, सीएनडीजी ऑडिट रिपोर्ट्स दे'ल रिव्यू, एफिशिएंसी की कोई ऑडिट बोर्ड ने रिपोर्ट दी है तो उसको रिव्यू करेंगे, और इसके अलावा स्पीकर इन्हें कोई भी दूसरे फंक्शन दे सकता है। नॉर्मली पीएससी के सारे फंक्शन इनके लिए भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। एंड देन वी हैव दी एस्टिमेट्स कमिटी, इसका नजा नाम वैसा काम, ये एस्टिमेशन में मदद करती है। तो सबसे पहले ये चेक करेगी ए जो भी एस्टिमेट्स हमने बनाए हैं उसमें क्या कहीं और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्या अल्टरनेट पॉलिसीज हम बना सकते हैं। फॉर्मेट डिसाइड करेगी एस्टिमेट्स बना के प्रिपेयर करके, क्योंकि एस्टिमेशन कैसे होता है दोस्तों, राइट एट द बॉटम लेयर म्युनिसिपैलिटी से एस्टिमेट्स आएगा, उसके बेसिस पे स्टेट सेंटर अपने बजट्स प्रिपेयर करेंगे, तो वो उसके फॉर्मेट ले डाउन करेंगी और इन सब में ये अल्टीमेटली ये चेक करेंगी कि जितना हमारे पास पैसा है उसका सही ले डाउन यानी सही यूटिलाइजेशन हुआ है। चले गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ पीएससी ऑडिट। स्कोप को साइड करिए, पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें। नॉर्मल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, फाइनेंशियल और कंप्लायंस ऑडिट करना। ये बंदे एडिशनली प्रोप्राइटरी ऑडिट करेंगे कि भैया पैसे की हमें पूरे एक रुपए के चार चवन्नी मिली है या नहीं। इसके अलावा जो कुछ सिलेक्टेड एंटरप्राइज होगा उसका कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट भी किया होगा। साथ ही साथ में हमारा मेन उद्देश्य है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सही डिसीजन ले, इसके लिए उसे सही इन्फॉर्मेशन मिले। तो हमारा काम है कि हम असिस्ट करें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ देयर ऑपरेशन। इसका मतलब ये कह सकते हैं दोस्तों कि सीएनडीजी या पीएससी ऑडिट्स के अंतर्गत द ऑब्जेक्टिव इज नॉट जस्ट टू एस्टैब्लिश और इम्प्रूव फिस्कल अकाउंटेबिलिटी बट ऑल्सो मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी। फिस्कल अकाउंटेबिलिटी के लिए वी डू ऑडिट ऑफ सैंक्शंस, रूल्स एंड ऑर्डर, प्रोविजन ऑफ फंड्स, प्रोप्राइटरी ऑडिट, याद करो इंटरमीडिएट। मैनेजमेंट में हम प्रमाली परफॉर्मेंस ऑडिट के नेचर के ऑडिट्स करते हैं। ये तो बात हो गई हमारी किसकी, ऑब्जेक्टिव की। अब आते हैं किस पे, स्कोप पे। स्कोप पांच तरह के ऑडिट्स कवर करने हैं हमें। क्या क्या, सबसे पहले फाइनेंशियल ऑडिट, उसके बाद कंप्लायंस ऑडिट, देन वी विल टॉक अबाउट परफॉर्मेंस ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एंड प्रोप्राइटरी ऑडिट। ऑल दीज आर इन योर सिलेबस, वी विल जस्ट डिस्कस दिस। थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पीएससी ऑडिट, द नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व विच कुड बी थ्री एट मैक्स, द टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट विच कुड बी टू एट मैक्स, एंड रिलेटेड टर्म्स। सबसे पहले अपन बात करते हैं थ्री पार्टीज। आप ऑडिट करते हो तो दोस्तों कौन होता है, एक मैनेजमेंट होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, दूसरा होता है शेयर होल्डर जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं यानी यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और तीसरे होते हैं हम यानी कि ऑडिटर। अब हो सकता है दोस्तों कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट प्रिपेयर करे अगेंस्ट दी और एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ऑडिटर सिर्फ आगे ये चेक करे कि क्या ये एज पर एस बने या नहीं बने। ऐसी एंगेजमेंट अगर ऑडिटर परफॉर्म करता है तो उसे कहा जाता है अटेस्टेशन एंगेजमेंट्स। तो कमिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, देर आर टू। वन इज अटेस्टेशन एंगेजमेंट जो नॉर्मली ऑडिटर करता है, जहां पे मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, ऑडिट प्रमाइज जो आप पढ़ते हैं, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फ्रेमवर्क। ऑडिटर ओनली एंडोर्सेज और अटेस्ट वेदर दे बीन प्रिपेयर्ड एज पर दोज फ्रेमवर्क और नॉट। लेकिन बड़ा ही स्ट्रेंज है गवर्नमेंट एंटिटीज के केस में, पीएसयूज के केस में कई बार ऐसा होता है कि ऑडिटर को सिर्फ रॉ डेटा दे दिया जाता है, और डेटा के साथ साथ उसे दे दी जाती है कुछ क्राइटेरिया, बेसिस फॉर इवैल्यूएशन, और उसे खुद को उस डेटा को उन क्राइटेरिया से मैच करके इवैल्यूएट करके रिपोर्ट प्रिपेयर करना होती है। इन्हें कहते हैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट।
जैसे कि परफॉर्मेंस ऑडिट्स नॉर्मली ऐसे होते हैं जिसके अंतर्गत कोई एक स्कीम लाइक उज्ज्वला स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट या रहवासी प्रधानमंत्री रहवासी योजना ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें आपको डेटा दे देंगे कि इतना खर्चा हुआ है, इतने घर बनाए गए, और आपको बता देंगे कि स्कीम के ये ऑब्जेक्टिव थे, ये लोग एलिजिबल थे, इस बेसिस पे खर्चा करना था, इतना पर ये खर्चा अलाउड था, और आपको बोला जाएगा इस डेटा और स्कीम के क्राइटेरिया को मैच करके देखिए कि सब कुछ प्रॉपर है या नहीं है। तो यहाँ पे CNDG हिमसेल्फ विल कंपेयर इवैल्यूएट एंड रिपोर्ट, दीज आर नोन एज डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। तो आप बताइए इन एंगेजमेंट्स में प्रमाणली आपके पास टोटल सब मिला के कितने तरह के मैटर्स आ सकते हैं। तो जिस डेटा पे आप काम कर रहे हो उसे बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। जिस मापदंड या क्राइटेरिया के अगेंस्ट में आप उसे मैप कर रहे हो उसे बोलते हैं क्राइटेरिया, और उसे कंपेयर करके जो फिर इंफॉर्मेशन निकलती है वो कहलाती है सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स इन एन PSU ऑडिट। इस पॉइंट में समझने जैसा तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तो इसका मतलब करो दिमाग को बंद, कानों को खोल लो और चुपचाप सुन के रट्टा लगा लो। What are the principles of public sector undertaking audit? सीधी सी बात है, general principles जो integrity, objectivity, independence, professional competence, due care, वो सारे ethical principles as it is applicable होंगे। इनके साथ साथ हमें क्या करना होगा, हमें professional judgment, skepticism, professional due care behavior apply करना पड़ेगा, ensure करना पड़ेगा qualitative काम हो with quality control, ऑडिट टीम का मैनेजमेंट, उसकी स्किल्स, ये सब हमें असेस करना होगी, ऑडिट रिस्क असेस करना होगा, उसके बेसिस पे वी विल हैव टू, कीपिंग इन माइंड मटेरियलिटी, वी विल हैव टू देन अप्लाई द प्रोसीजर्स, गेट द एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंट ऑल दैट एंड कम्युनिकेट। तो जनरल प्रिंसिपल्स में हो गए एथिकल प्रिंसिपल्स एंड इंडिपेंडेंस टू स्टार्ट विद, ये करने के बेसिस पे देन वी विल देन डिसाइड अप्लाई ऑल्सो साइमल्टेनियसली प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर एंड स्केप्टिसिज्म। Then we will be ensuring proper quality control, assignment of correct team and management of it appropriately. We will then assess the audit risk. We will have to do documentation of all our procedures, keeping materiality in mind. So materiality, documentation and finally communication, 8 points. Kya principles hote hain audit process ke? Planning the audit, conducting the audit and reporting and follow-up. Simple. गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट के स्टेप्स की बात अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो याद रखना आपको सिर्फ कंपनीज एक्ट में जो आपने पढ़ा है सेक्शन 143 सब सेक्शन 567 वो लिखना पड़ेगा। सब सेक्शन 5 कहता है कि गवर्नमेंट कंपनी के बेसिस में CNDG के पास पावर है कि वो गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर को एडिशनल इंस्ट्रक्शंस दे सकता है और कह सकता है कि हे ऑडिटर तुम्हें इन इंस्ट्रक्शंस का अलग से पालन करना होगा और इस पर रिपोर्ट करना होगी। उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे CNDG उसके ऊपर अपने कमेंट दे सकता है और साथ ही साथ चाहे तो एक सप्लीमेंट्री ऑडिट भी ऑर्डर कर सकता है। 60 दिन के अंदर अंदर सप्लीमेंट्री ऑडिट होगा जिसमें उसी को या किसी और CA को अपॉइंट किया जाएगा और बोला जाएगा कुछ और चीज़ें एडिशनली चेक करने की। फिर आपको CA के ऊपर ही कभी डाउट है, लग रहा है उसके काम को और टेस्ट करके चेक करना है प्रॉपर काम किया है नहीं, तो आप सबसेक्शन 7 में टेस्ट ऑडिट ऑर्डर कर सकते हैं जिसकी कोई टाइम फ्रेम या लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। वो एक्टिंग देखी थी उसमें हमें एक सवाल हमारे मन में अभी भी है जिसका जवाब ढूंढ रहे हैं। आपने कहा था सरकारी अफसर ऐसा कर सकता है कि वो ड्यू डिलिजेंस ना लगाए पैसा खर्च करते समय, क्यों? क्योंकि उसकी जेब से नहीं जा रहा है और जनता का पैसा है। पर ऐसा तो एक कंपनी के एम्प्लॉय के द्वारा भी किया जा सकता है या डायरेक्टर के द्वारा भी किया जा सकता है अगर वो उस कंपनी का मेजर शेयर होल्डर नहीं है। यानी आप ये कह रहे हो कि एक कंपनी में भी ऐसा हो सकता है कि हम पैसे का सदुपयोग पूरी तरह से ना करें, एंड दैट इज वाई इवन इन कंपनीज नाउ डेज एटलीस्ट सम प्रोप्राइटरी एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। जैसे कि कारों के आपके ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स किसकी बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोप्राइटी इन नेचर, दे आर नॉट राइट और रॉन्ग, बट दे आर पॉइंट्स विच विल इंश्योर दैट द कंपनी इज बीइंग कंडक्टिंग इट्स बिजनेस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इट्स स्टेक होल्डर्स। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट भी इसीलिए दी जाती है क्या कि कॉस्ट की इनएफिशियंसीज पता पड़े और कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करके बेहतर किया जा सके। सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शंस देने का पावर जो दिया गया है वो भी इसलिए दिया है CNDG को गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर पे कि वो स्पेसिफिकली कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे अदरवाइज ऑडिटर रिपोर्ट नहीं करता, जैसे कि क्या इंश्योर किया है आपने अपनी एसेट्स को, क्या कैश के ज़्यादा बैलेंसेस तो आपने मेंटेन नहीं किए, इस तरह के मैटर्स इंटरनल कंट्रोल के ऊपर जो रिपोर्टिंग आपको करना होती है। Schedule 3 में आजकल कई सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है विद रिस्पेक्ट टू कहीं आपकी कंपनी की पास कोई बेनामी प्रॉपर्टी तो नहीं है, विलफुल डिफॉल्टर तो घोषित नहीं किए गए, ये सारे कुछ प्रोप्राइटरी एलिमेंट्स
पूछे, इफ यू गेट अ क्वेश्चन इन द एग्जाम विच सेज व्हाट आर द प्रोप्राइटरी एलिमेंट्स इन ऑडिट ऑफ अ कंपनी, यू विल हैव टू कोट सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में जो हम 6 चीजें स्पेसिफिक इंक्वायरीज में चेक करते हैं, पर्सनल एक्सपेंस डेबिट तो नहीं हो गए, सिक्योर्ड लोन्स गिवन अपने आप में प्रिजुडिशियल तो नहीं है, कारों के कुछ पॉइंट्स आप रेफरेंस के लिए दे सकते हैं, 148 सेक्शन का रेफरेंस, सेक्शन 143 सबसेक्शन 5 और 6 का रेफरेंस, शेड्यूल 3 की एडिशनल इंफॉर्मेशन का रेफरेंस आपको देना चाहिए। टाइप्स ऑफ ऑडिट कंडक्टेड बाय सीएनडीजी, सबसे पहले होता है फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट जो अपना नॉर्मल ऑडिट होता है जिसमें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते हैं, साथ ही साथ में देखते हैं दे आर प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम एंड रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन, और कुछ हद तक इंटरनल कंट्रोल्स और इंटरनल ऑडिट फंक्शन को वेरीफाई करते हैं। दैट्स अबाउट इट, दिस इज व्हाट फाइनेंशियल ऑडिट इज। What is the objective of financial audit? It is primarily conducted to express an opinion on the financial statement and to enhance the confidence of users of the financial statements. Type 2, compliance audit. जैसे कि नाम compliance, ये कब लगता है? जब आपके पास एक subject matter हो, जैसे कि कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर फ्री में अलॉट किए गए, कैसे घर अलॉट किए गए, उस पर क्या खर्चा हुआ, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन है ये मेरे पास, सब्जेक्ट मैटर। और क्राइटेरिया, किन्हें एलिजिबल था देना, कितनी कॉस्ट लगना चाहिए थी, कितने लोगों को देना था, स्टफ लाइक दैट। जब ऑडिटर इस सब्जेक्ट मैटर को इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवैल्यूएट करके चेक करता है कि क्या क्राइटेरिया का कंप्लायंस हुआ है या नहीं, इसे कहा जाता है कंप्लायंस ऑडिट। तो कंप्लायंस ऑडिट इज कंसर्न विद रेगुलरिटी वेदर द सब्जेक्ट मैटर इज एज पर द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस एंड द अग्रीमेंट्स एंड साथ साथ में प्रोप्राइटी की जो खर्चा इसके अंतर्गत किया गया है, क्या उसमें पैसे का पूरा उपयोग सदुपयोग हुआ है या नहीं, यानी साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एथिकल प्रिंसिपल्स हैव बीन कंप्लाइड। नॉर्मली क्या लगता है, ये ऑडिट अलग से होता होगा क्या, ये बीकॉम की पढ़ाई जैसे, आप चाहो तो अलग से कर लो, नॉर्मली लोग इसको सीए के साथ करते हैं, हो सकता है आपको आगे एमबीए करना है सिर्फ इसलिए आप कर रहे हो। दैट मीन्स कंप्लायंस ऑडिट कैन बी डन इंडिपेंडेंटली एज अ पार्ट और अलॉन्ग विद फाइनेंशियल ऑडिट और अलॉन्ग विद परफॉर्मेंस ऑडिट। हमारा नेता कैसा हो, ऐसे वादे करने वाले जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, ऐसे वादे पूरे करने वाले नेता जैसा हो। नेताजी ने मुंबई कर्स को वादा कर दिया कि मुंबई कर्स अगर हम जीत गए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए तो इंडियन रेलवेज की ट्रेन मुंबई शहर में चालू करा देंगे जो मुंबई से विरार तक के हर छोटे से छोटे स्टेशन को कवर करेगी, और वो भी 10-10। अब आप बताइए दोस्तों, नेता लोग चुने जाते हैं और वो वादे कर देते हैं कि भैया हम आपके गांव शहर में जहां से आपको हमने या हमने आपको चुना है वहां पे आपके लिए हम ट्रेनें चालू करवा देंगे, और वो हो सकता है कि ट्रेन चालू भी करवा दें। मुंबई में तो उसका सदुपयोग हो जाएगा, पर ऐसा कई जगह हो सकता है कि वो ट्रेन चालू तो हो गई लेकिन इट इज रनिंग एट अ सब्सटेंशियल लॉस। ऐसे केस में क्या ऑडिटर इस मैटर को पॉइंट आउट करेगा कि ये ट्रेन नहीं चलना चाहिए फिर भी चलाई जा रही है क्योंकि इस रूट पे जरूरत से ज़्यादा ट्रेनें हैं, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है? ऑडिटर इस तरह के मैटर्स थोड़ी ना इवैल्यूएट करता है, हम मैनेजमेंट ऑडिटर नहीं है, हम तो फाइनेंशियल या कंप्लायंस ऑडिटर है। तो फिर जनता के पैसे का सही उपयोग हुआ या नहीं ये कौन ख्याल रखेगा? तो सर वो तो प्रोप्राइटरी ऑडिट में होता है, प्रोप्राइटरी ऑडिट में हम देखते हैं खर्चा ज़्यादा तो नहीं हुआ, यहाँ खर्चा जितना दूसरी गाड़ियों में हो रहा है उतना ही हो रहा है लेकिन यहाँ पे हमारी गाड़ियों का परफॉर्मेंस जो आना चाहिए वही नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पे इतनी डिमांड ही नहीं है। दिस इज समथिंग मोर देन प्रोप्राइटरी ऑडिट एंड दिस इज समथिंग विच इज नोन एज, क्या बोलते हैं दोस्तों इसे, परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब होता है कि आप इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इन तीन मापदंड पर चेक करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का अप्रोप्रिएट आ रहा है या नहीं। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम परफॉर्मेंस ऑडिट को? परफॉर्मेंस ऑडिट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस। एविडेंसेस किसके और क्यों, विद अ व्यू टू डू एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट।
इट इज एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस विद अ व्यू टू डू एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अ गवर्नमेंट प्रोग्राम और एनी एक्टिविटी और फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. व्हाई? इन ऑर्डर टू इंप्रूव पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. क्यों करते हैं? ताकि पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो एंड टू फैसिलिटेट decision making amongst the competent authority and to also if required initiate corrective actions. To kaun karta hai ye performance audit? Obviously baat hai C&AG along with the IAAD, which is nothing but Indian Audit and Accounts Department. To ek alag se board banate hain aur ye log is tarah ke audits conduct karte hain. C&AG ke andar hi ye sab kuch hoega. क्या मापदंड होंगे, क्या बेस होंगे? तो देर आर मैनुअल्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर फॉलोड बाय सीएनडीजी टू डू दिस. एंड व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? व्हाट डू वी प्रमोट थ्रू दीज काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट? दैट टैक्स पेयर मनी वी हैव यूज्ड इट अप्रोप्रिएटली एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू इंश्योर दैट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और द एग्जीक्यूशन प्रोसेस इज अप्रोप्रिएट और नॉट एज इन द डिसीजन विच द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव बॉडीज आर वॉन्टिंग द एंटिटी टू टेक हैव बीन अप्रोप्रिएटली टेकन एंड हैव बीन अप्रोप्रिएटली इम्प्लीमेंटेड और नॉट. तो परफॉर्मेंस ऑडिट इज नथिंग बट ऑडिट ऑफ इकोनॉमी, एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस. तो परफॉर्मेंस ऑडिट के स्टेप्स क्या होंगे? तो देखो, जब आप परफॉर्मेंस ऑडिट प्लान करते हो तो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस. लेट्स टॉक अबाउट इट ऑल टुगेदर सेपरेटली, अ सेपरेट टॉपिक लाइक प्लानिंग अ परफॉर्मेंस ऑडिट. प्लानिंग अ परफॉर्मेंस ऑडिट, सबसे पहले आपको समझना है आप किस एंटिटी और प्रोग्राम को ऑडिट कर रहे हो. आर यू डूइंग एन ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और रेलवेज और उजाला उज्ज्वला स्कीम? फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव और स्कोप डिफाइन कर दो. क्या आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये चेक करना है खर्चा ज़्यादा तो नहीं हो गया, या क्या बचत की जा सकती थी, या कहीं फ्रॉड्स तो नहीं हुए, या परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव टारगेट्स मीट हुए या नहीं, किस परसेंटेज से हमने उसको अचीव नहीं किया. ये सब करने के बाद अब आप क्या करेंगे? क्योंकि ये अपने आप में एक तरह का डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट है, इसलिए आपको ऑडिट क्राइटेरिया सेट करना पड़ेंगे. ऑडिट क्राइटेरिया सेट करके फिर आप बनाओगे अपनी ऑडिट अप्रोच. फिर आपको बनाना पड़ेंगे क्वेश्चन, सवाल जो आप पूछेंगे. कौन पूछेगा? आप नहीं, आपकी टीम जाके उन सवालों को पूछेगी. और उन सवालों को हम टीम से प्रिपेयर करके एक डिजाइन मैट्रिक्स बना के दे देंगे, जिसमें एक चेकलिस्ट होगी जिसमें हमारी टीम जा जाके फिल कर दे. हम उन्हें एक टाइम टेबल दे देंगे कि इस टाइम टेबल से आपको काम करना है, और अल्टीमेटली हम उन्हें ये बता देंगे कि ये हमारा ऑडिट प्रोग्राम है, छू जाओ और ऑडिट करो. तो कैसे याद कर लिए सर स्टेप्स आपने अपने मन में? बहुत आसान है. सबसे पहले आप एंटिटी प्रोग्राम को समझ लीजिए और आपका स्कोप और ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लो. क्योंकि अपने आप में डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट है तो ऑडिट क्राइटेरिया, तो आप इसमें याद रखना कि ऑडिटर को 5 चीज़ें डिसाइड करनी है: CA, क्वेश्चंस, टीम से डिजाइन कराएगा. CA क्वेश्चन टीम से डिजाइन करेगा. C ऑडिट क्राइटेरिया. A अप्रोच. क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस जाके हमें पूछना है. टीम, हमारी ऑडिट टीम क्या होगी, क्या स्किल्स हमारी रिक्वायर्ड है. डिजाइन, ऑडिट डिजाइन का एक मैट्रिक्स यानी एक चेकलिस्ट. फिर हम देंगे उनको टाइम टेबल और ऑडिट प्रोग्राम इनिशिएट करके उनको दे देंगे. ये हो गई हमारी प्लानिंग द परफॉर्मेंस ऑडिट. अब जब आप प्लानिंग कर रहे हैं परफॉर्मेंस ऑडिट का, तो सबसे पहले आपको एंटिटी के बारे में समझना है. तो अब एंटिटी या प्रोग्राम आप समझोगे तो कैसे समझोगे? सीधी सी बात है भैया, उस एंटिटी प्रोग्राम का खुद का कोई डॉक्यूमेंट होगा, तो आप वो डॉक्यूमेंट पढ़िए, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. तो यू विल फर्स्ट आस्क फ्रॉम द एंटिटी और द प्रोग्राम इटसेल्फ कि यू गिव अस द डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू योर एंटिटी और द प्रोग्राम. उसकी कुछ पॉलिसीज होंगी, अपन उसके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे. और अगर पहले का भी ऑडिट हुआ है तो ऑडिट तो शुरू हमेशा पास्ट ऑडिट रिपोर्ट से ही होना चाहिए दोस्त. तो पास्ट ऑडिट देखेंगे. ये तीन चीज़ें हमारे लिए सोर्स हो गई. बहुत सिंपल सी बात है. अब दोस्तों एक बात बताओ, तुमको किसी के लिए पता करने का है तो तुम किससे पता करती हो? हाँ सर, एक तो मोहल्ले से पता कर सकते हैं. बहुत बढ़िया, मीडिया कवरेज देख लो. हमारे सर टीम में कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है जो इंसाइक्लोपीडिया होता है, जिसके पास सबकी जानकारी होती है, द रिसर्चर. तो हो सकता है आपके कोई रिसर्च ग्रुप्स हो जिनके पास कुछ साइंटिफिक नॉलेज हो, तो आप साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हो, उससे बारे में पता कर सकते हो.
हो सकता है कि उसके ऊपर हमें पता है कि यार किसी का स्पेशल फोकस था, तो वी कैन ऑल्सो टॉक टू द स्पेशल फोकस ग्रुप्स. इन लॉस से भी तो पूछ सकते हैं, और सॉरी लेजिस्लेटिव, यानी हो सकता है लेजिस्लेचर के पास इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन हो. इस तरह से आपको 6 सोर्सेज है एग्जाम में लिखने के लिए. क्या क्या? एंटिटी के पॉलिसी, एंटिटी ई के डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, उसकी पॉलिसीज, उसका पास्ट ऑडिट. स्पेशल फोकस ग्रुप से आप बात कर सकते हो, रिसर्चर से बात कर सकते हो, मीडिया कमेंट और लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट से भी बात कर सकेंगे. इनफैक्ट 7 पॉइंट्स इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. जैसे मैंने कहा, परफॉर्मेंस ऑडिट अपने आप में एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट है, इसलिए आपको एक क्राइटेरिया एस्टैब्लिश करके उसके अगेंस्ट में सब्जेक्ट मैटर को कंपेयर करना है. अब क्राइटेरिया कौन एस्टैब्लिश करेगा? तो मेजॉरिटी केसेस में तो जो पॉलिसी या प्रोग्राम जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, वहीं पर एक पॉलिसी बनाई गई होगी कि भाई उज्ज्वला स्कीम है, इन लोगों को देनी है, इतनी देनी है, इस कंडीशन में देनी है, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है उससे, कि अगर हमने किसी को फ्री का गैस सिलेंडर दिया है तो उसके यहाँ पे चूल्हे का प्रयोग होना बंद हो, ये सब चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं. तो इसका मतलब आपको क्राइटेरिया कैसे बनाना पड़ेंगे कि भैया जिनको हमने फ्री में चाहिए इसका सिलेंडर दिया था, क्या वो अभी भी बायोफ्यूल का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो वी विल हैव टू डिटरमाइन सर्टेन क्वेश्चंस, वो आगे का स्टेप है, पर अभी हमें क्या बनाना है? क्राइटेरिया बनाने हैं. तो क्राइटेरिया कैसे एस्टैब्लिश होंगे? तो नॉर्मली आप जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम या एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो, उसके क्राइटेरिया, उसकी जो पॉलिसी, स्टैंडर्ड, डायरेक्टिव्स, गाइडलाइंस बनाई है उसमें दिए होंगे, या हो सकता है उसके खुद के कोई प्रोसीजर मैनुअल्स हों जिससे आपको ये क्राइटेरिया मिल जाए, या ऐसा हो सकता है कि आप जो ऑडिट कर रहे हैं किसी एक स्टेट में कर रहे हैं, हो सकता है दूसरे स्टेट में भी सिमिलर पॉलिसी और वहाँ पर कोई क्राइटेरिया बनाए गए हैं जिसको आप अपने यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर आपको मजबूरन रिलाई करना पड़ेगा कोई दूसरे सोर्सेस पे, जैसे कि यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट, या अगर आपके कोई उसके ऊपर एक एस्टैब्लिश साइंटिफिक नॉलेज है, रिसर्च है, तो वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपनी जनरल मैनेजमेंट सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन की रिसर्च पेपर लिटरेचर ये सब से जानकारी लेके अपने हिसाब से खुद क्राइटेरिया डेवलप करें. These would be your 6 sources for developing the audit criteria under a performance engagement. ऑडिटर की अप्रोच कैसे डिसाइड करना है? दोस्तों, हमारे हाथों में कितनी उंगलियां हैं? ये तो अंगूठा है, 4, और ऋतिक के हाथों में 2 अंगूठे हैं या 2 उंगली हैं, पता नहीं, 6, तो टोटल 6 मुद्दे, बहुत ही वाहियात. सॉरी, 4 मुद्दे एनालिसिस. किसका एनालिसिस करना है? तो हमारा अप्रोच हो सकता है कि हम प्रोसीजर्स एनालाइज कर लें, हमारी अप्रोच हो सकती है कि हम डेटा को एनालाइज कर लें, हो सकता है कि हम रिजल्ट्स को एनालाइज कर लें इंस्टेड ऑफ द डेटा जो नेट आउटकम है, या हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लें. इसके अलावा हो सकता है कि हम केस स्टडीज कर लें, या घर घर जाके सर्वे कर लें कि भैया क्या आपको उज्ज्वला स्कीम में टंकी मिली या नहीं मिली. ये 6 अप्रोचेस हैं. अब हमने देखा था कि ऑडिटर को एक मैट्रिक्स डिज़ाइन करना पड़ता है जिसमें वो सारे ऑडिट क्वेश्चंस पुट अप करता है. इट इज़ लाइक अ चेकलिस्ट जिससे टीम जाके उसे फिल करती है, डेटा मिलता है, और उसके बेसिस पे हम अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे. तो आप बताइए कि ये जो डिज़ाइन मैट्रिक्स होगा, इसमें क्या होगा? तो याद रख लो, आप तो इसमें 5 कॉलम्स आते हैं. सबसे पहला कॉलम है ओ बोलेगा ऑडिटर. तो सबसे पहले ओ, अब अपन तो ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो देखो आप एविडेंस के साथ छेड़खानी कैसे हो सकती है? कभी आपको कहीं कुछ चीज़ बदलना है और आपने ओ लिख दिया, क्यों लिखना है? क्या आसान है, डंडी खींच दो तो क्यों लिखा जाएगा? सी लिखना है तो थोड़ी सी डंडी हटा दो तो सी आ जाएगा. तो इसका मतलब ओ क्यू सी, ऐसे आप एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो. आपको देखना है इनमें से कौन सा मेथड आपने यूज़ किया है. ख़त्म. ऑडिट डिज़ाइन मैट्रिक्स हैज 5 पॉइंट्स. सबसे पहला पॉइंट ऑडिट ऑब्जेक्टिव, दूसरा पॉइंट ऑडिट क्वेश्चंस, तीसरा पॉइंट इज ऑडिट क्राइटेरिया सी, ओ से थोड़ी सी डंडी हटा दी, चौथा पॉइंट इज एविडेंस, एंड फाइनली द डेटा कलेक्शन मेथड. परफॉर्मेंस ऑडिट में ऑडिटर 3 ईज चेक करता है. इकोनॉमी, विच मीन्स the desired output of the desired quality is achieved at a lowest cost within the right time frame. Economy. Second, efficiency. Kam samay mein zyada. Kya ye revision video aapke liye efficient hai? Comment box mein bataye. Input output ratio maximize karna. And third, effectiveness.
कम समय में ज्यादा मिला ये तो ठीक है, पर क्या रिटेन करने में मदद किया, क्या ये इफेक्टिव रहा, क्या इससे आपका पर्पस सॉल्व हुआ, क्या ये चैप्टर आपके लिए आसान हो गया? इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस को अभी बाद में पढ़ते हैं, इकोनॉमी में कुछ और है नहीं, बात करते हैं एफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट रेशियो। एक बिजनेस शुरू करना है तो हम सबसे पहले लेकर आए थोड़ा सा सामान, यानी रिसोर्सेस का प्रोक्योरमेंट अपने आप में प्रॉपर होगा, ये पहला ऑब्जेक्टिव है एफिशिएंट ऑपरेशंस का, सही रिसोर्स एक्वायर करना। अभी रिसोर्स ले गए पर लोग चोरी करके ले जा रहे हैं तो हमें उसे बचाना होगा, तो प्रोटेक्शन ताले में रख दिया उसे, तो वेदर दीज रिसोर्सेज आर वेल प्रोटेक्टेड इज द नेक्स्ट थिंग विच द ऑडिटर वुड चेक अंडर परफॉर्मेंस ऑडिट टू एंश्योर दैट एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस आर मेट। क्या सिर्फ माल लाने से काम होगा? नहीं, विल नीड अदर रिसोर्स, तो हम कुर्सी, चेयर, टेबल, फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके आ गए, बिजली लगा दी और हमने दूसरे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कर लिए। तो क्या ये बाकी सारे रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है? इसे भी हमें एफिशिएंसी में चेक करना पड़ेगा। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्टाफ, मटीरियल एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज। तो बिजली जब बंद करना चाहिए तो बंद हो रही या नहीं, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा एफिशिएंसी में, तभी हमें मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। यानी इफेक्टिवली आप ये बोल सकते हो कि हमें कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ ये सब कुछ अचीव करना है। ओवर एंड अबाव दिस, अगर कोई कंपनी के ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो एक तरीका उसने बना रखा है काम करने का, तो उसका कंप्लायंस हुआ या नहीं वो भी चेक करेंगे, एंड साथ ही साथ में हम ये भी चेक करेंगे कि क्या ओवरऑल मैनेजमेंट हमारी एंटिटी का एफिशिएंट है या नहीं है इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्सेज, वेदर दे आर वेल मैनेज्ड, रेगुलेटेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड एंड कंट्रोल्ड। ये आपके सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखना है परफॉर्मेंस ऑडिट में, एफिशिएंसी आप कैसे चेक करें। अब परफॉर्मेंस ऑडिट पे आते हैं दोस्तों, इफेक्टिवनेस पे, देयर आर दीज 10 पॉइंट्स व्हिच आर देयर इन इफेक्टिवनेस। अपन बात करते हैं अपनी इस रिवीजन सीरीज की, द मॉन्स्टर रिवीजन सीरीज व्हिच यू आर लुकिंग एट। आप बताइए दोस्तों, इस रिवीजन सीरीज में जहां हम सारे सेंसेस को यूज करा रहे हैं आपके, ताकि आप चीजों को बेहतर रिवाइज करके, रिटेन करके याद रख सके, इसमें मुझे चेक करना है कि यार इस रिवीजन सीरीज की इफेक्टिवनेस कैसी है, तो इसके लिए मुझे क्या चेक करना होगा? तो सबसे पहले तो मैंने जब ये आइडिया इंस्टीट्यूट किया तो मैंने ये देखा होगा कि यार इस रिवीजन सीरीज को लेके आने के लिए मेरे क्या उद्देश्य है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स, कि स्टूडेंट इसे देख के सिर्फ समझ भी ना पाए, रिवाइज भी साथ साथ कर ले, सिर्फ रिवाइज ही ना कर पाए, दिमाग में रिटेन भी उसको कर ले। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये करने के लिए मुझे कुछ रिसोर्सेज अरेंज करना पड़े होंगे टू गिव दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एन इफेक्ट, वेदर वी हैव दोस काइंड ऑफ रिसोर्सेज। तो फर्स्ट इफेक्टिवनेस तभी आती है दोस्तों, पॉइंट नंबर वन, इफेक्टिवनेस का तब आएगा व्हेन यू आर एबल टू एंश्योर एंड मैच योर ऑब्जेक्टिव्स विद द अवेलेबल रिसोर्सेस। एंड देन मुद्दे की बात कि हमारा उद्देश्य क्या था, कि रिवीजन नॉर्मली कैसा होता है, पढ़ दिया जाता है, जिससे जो लिखा है उसे पढ़ दिया, स्टूडेंट बार बार सुन के खुद याद रखता है, तो क्यों ना उसमें रिटेंशन ऐड कर दिया जाए थ्रू यूजिंग दोज ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। बट इसमें समझाने वाली बात नहीं होती है तो क्यों ना उसे भी मर्ज कर दिया जाए। तो ये कॉम्बिनेशन अगर बनाया जाए तो क्या ये बेहतर होगा? इस सोच के साथ अगर ये प्रोग्राम आया तो हमारा अल्टीमेटली प्रोग्राम कब इफेक्टिव माना जाएगा? जब उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स मीट आउट हो गए। द सेकेंड पॉइंट इज वेदर द डिजायर्ड रिजल्ट्स हैव बीन मेट। देन हम क्या चेक करेंगे कि यार ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, याद भी हो गया और आप एग्जाम में लिख भी पाएंगे, तो इसका कारण क्या ये रिवीजन वीडियो है या आपके रेगुलर फास्टर बैचेस में ही आपकी तैयारी इतनी बढ़िया हुई थी कि आप उससे ही समझ चुके थे? अगर ऐसा है तो फिर इस पर्टिकुलर रिविजन वीडियो का इफेक्टिवनेस नहीं है। दैट इज थर्ड नंबर पॉइंट। फोर्थ, हम ये देखेंगे कि इस पूरे प्रोग्राम में ऐसी क्या चीज़ें हैं विच इज़ इनिबिटिंग योर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। लाइक मे बी ये रिविजन वीडियोज़ थोड़े समय पहले आ जाना चाहिए थे, या मे बी इसका ड्यूरेशन थोड़ा और ज़्यादा या थोड़ा और कम होना चाहिए था, या मे बी इसमें और भी टॉपिक्स कवर होना चाहिए थे। तो क्या मुद्दे हैं जो इसके सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस को इनिबिट करते हैं? ये भी परफॉर्मेंस ऑडिटर में ऑडिटर चेक करता है। पॉइंट नंबर फोर। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, कहीं ये रिविजन वीडियो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिविजन वीडियो को डुप्लीकेट या ओवरलैप तो नहीं कर रहे? अगर ऑलरेडी वो हैं तो इसकी क्या जरूरत है? वी हैव ऑडिट पावर, देन वॉट इज द नीड फॉर इट? डेफिनेटली शायद देख के लग रहा है कि इसके अपने कुछ अलग फायदे हैं, दैट मीन्स इट इज प्रूविंग इट्स इफेक्टिवनेस।
इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर प्रोग्राम ओवरऑल सारे टॉपिक्स के लिए इफेक्टिव है या कुछ टॉपिक्स के लिए इफेक्टिव रहा. तो इसका मतलब वी कैन डू एन असेसमेंट ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंडिविजुअल टॉपिक्स और द पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम. नॉर्मली ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, आई वुड असेंशली वॉन्ट टू हैव अ फीडबैक फ्रॉम यू. इनफैक्ट उससे पहले एक बात बताओ, मैं आपसे फीडबैक लूँगा क्या रहा, उससे पहले मैंने एक बात बताओ, क्या मैंने भी सोचा होगा कि यार ये इस तरह का रिवीजन देने की बजाय और क्या अल्टरनेटिव तरीके. अल्टरनेटिव तरीके हो सकता था थोड़े से टाइम कॉस्ट इफेक्टिव होते, बट क्या वो डिजायर्ड चीज अचीव कर पाते, कर पाते तो फिर मैंने ये क्यों किया, वो क्यों नहीं किया, ये सब सोचने के बाद भी मैंने ये डिसाइड किया, एम आई एबल टू जस्टिफाई द एफर्ट पुट इन. तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैनेजमेंट ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट इन मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैटर इज इवैल्यूएटिंग एंड वेदर देयर आर सच वेज. ये भी परफॉर्मेंस ऑडिटर असेस करता है. फिर मैंने आपसे फीडबैक लिया, आपके जो रिस्पॉन्सेज आए उसको मैं मॉनिटर करूंगा, कंट्रोल करूंगा, और उसी के साथ साथ फिर अगली बार ये जो प्रोग्राम लेकर आएंगे उसमें उनको क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे. So these are your additional two points, the point number 8 and 9, which you can say that taking reviews and based on that managing, responding to those views and then accordingly making the program more effective in times to come. इस पूरे प्रोसेस में मुझे ध्यान रखना है कि कहीं भी कोई लॉज एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस ना हो जाए, कोई कॉपीराइट इशू वगैरह ऐसी चीज़ें ना आ जाए. ये पूरा स्टफ बन के आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑडिट प्रोग्राम इज समथिंग विच यू हैव टू असेस. अब आता है दोस्तों आपके परफॉर्मेंस ऑडिट का भी बाब, जिसे कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट. दिस गोज अ स्टेप फर्दर. कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एज द नेम सजेस्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव. सो दिस इज एक्चुअली यू कैन से एन एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट. यानी हम इसमें सिर्फ इकोनॉमी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ही चेक नहीं करेंगे, उसके बियॉन्ड हम ये भी देखेंगे कि अल्टीमेटली ये जो एंटिटी बनाई गई थी ये किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी और उसे ये कैसे अचीव कर पा रही है. तो सर ये तो हमने परफॉर्मेंस ऑडिट में भी चेक करना है. परफॉर्मेंस ऑडिट इज बेसिकली चेकिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी वेदर इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट. दिस इज ऑल्सो सीइंग हाउ द परफॉर्मेंस कैन बी फर्दर एनहांस्ड इम्प्रूव्ड एंड कंपेयरिंग इट विद द अदर स्टैंडर्ड्स और अदर एंटिटीज एंड देन अकॉर्डिंगली रिपोर्टिंग और सजेस्टिंग वेज ऑफ इंप्रूवमेंट. ये भी अपने आप में एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट जैसा हो सकता है, जिसके अंतर्गत आपको इसे डेवलप करने के लिए पहले एक डिटेल्ड एनालिसिस करना होगा. तो जब आप इसका ऑडिट प्रोग्राम डेवलप करोगे तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यू विल हैव टू स्टडी द एंटरप्राइज. एंटरप्राइज के साथ साथ क्यों एंटरप्राइज बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की मिनट्स, उसके जितने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके जितने बोर्ड के डेलिब्रेशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, इन सबको पढ़ के आपको सबसे पहले समझना है, एक डिटेल एनालिसिस करना है. और उस एनालिसिस से फिर आपको एक क्राइटेरिया डेवलप करना है कि यार क्या इस पर्टिकुलर एंटिटी से ऑब्जेक्ट अचीव्ड सॉरी एक्सपेक्टेड है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट एनटीपीसी, तो एनटीपीसी का अगर मैं परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहा हूँ तो मैं इकोनॉमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस चेक करूंगा. पर कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट कर रहा हूँ तो मैं सोचूंगा कि यार एनटीपीसी क्या सोच के बनाया गया था, प्राइवेट सेक्टर को क्यों नहीं दिया, इसका क्या उद्देश्य था, क्या डिलिबरेट किया था, सरकार की क्या सोच थी, इससे क्या एक्सपेक्टेशंस थी. ऐसा एक डिटेल एनालिसिस करके फिर मैं क्राइटेरिया बनाऊंगा कि यार इसके बेसिस पे दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, कि भैया हम ये इंश्योर करें कि कोल नॉन रिजनरेटिव रिसोर्स है तो ये इसका बेहतर यूटिलाइजेशन कर रहा है, ये नए व्यूज तरीके ढूंढ रहा है जिससे कि हम कोल की खपत को कम कर सके या उसका एफिशिएंसी, उसका आउटपुट, उसका प्रोडक्शन, उसका मैनेजमेंट इंप्रूव कर सके. तो इसके बेसिस पे व्हाट वी विल डू इज देन बेस्ड ऑन दिस वी विल आइडेंटिफाई व्हाट आर द वेरियस पॉसिबल क्राइटेरियाज अगेंस्ट विच वी विल हैव टू चेक. तो मैंने क्या किया, एक डिटेल एनालिसिस किया, उसके बाद क्राइटेरिया एस्टैब्लिश किया, और उस क्राइटेरिया को एस्टैब्लिश करने के बाद नाउ आई विल हैव टू डू अ डेटा एनालिसिस. डेटा एनालिसिस का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो अब मुझे कहिए से सोर्स डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा और वो डेटा के सोर्स को आइडेंटिफाई करके फिर मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या एंटिटी वहां तक पहुंच पा रही है या नहीं. दिस इज डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट. What are the areas which are covered under a comprehensive audit? क्या areas comprehensive audit में आना चाहिए दोस्तों, आप खुद सोचिए. Normally ये सारे areas cover करेगा, मतलब जैसे कि आप ये समझ लीजिए आपके जितने भी investments आपने किए हैं, ये investment decisions में देखेगा कि आपके investments appropriate है या नहीं है, कि आप proper rate of return लेके आए, कि आपकी cost of capital justified है जितनी आपने अचीव करी है, stuff like that. ये इसका objective होगा, ये अचीव करेगा. Second, let's say for example इन्वेस्टमेंट्स की बात हमने की, से प्रोजेक्ट कोई इन्होंने नया शुरू किया है तो प्रोजेक्ट का फॉर्मुलेशन प्रॉपर था, क्या प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट प्रॉपर था, क्या प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए. थर्ड, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसा है, कहीं आइडल कैपेसिटी ज़्यादा तो नहीं है, आइडल टाइम ज़्यादा तो नहीं है.
मैनेजमेंट ऑफ इक्विपमेंट कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट कैसा है, मटेरियल का मैनेजमेंट कैसा है, प्लांट एंड मशीन का मैनेजमेंट कैसा है, प्रोडक्शन का मैनेजमेंट कैसा है, सेल्स क्रेडिट कंट्रोल हमारी कंपनी में कैसा है, बजटरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे हैं, दीज आर द एरियाज विच आर कवर्ड. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो कई बार पूछा जा चुका है, एरियाज कवर्ड अंडर कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, ये कुछ 12-13 पॉइंट्स आप वहाँ पे लिखें और सबके साथ में एक एक्सप्लेनेटरी लाइन ऐड कर दीजिएगा. This is something which is your comprehensive audit. That's about it. The issues which are examined in comprehensive audit. तो अगर areas पूछे तो आपको ये लिखना है और issues तो इन areas से related issues बताना है. क्या issues होंगे? Overall cost of capital हमारी match हो रही है या नहीं? Production level accepted है या नहीं है? Capacity utilization मेरा सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है? Material का usage मेरा proper है या नहीं है? साथ ही साथ में मैं ये सोच सकता हूँ मेरी परचेज पॉलिसी अप्रोप्रिएट है क्या, रिपेयर मेंटेनेंस प्रॉपरली हो रहा है, हमारी असेट्स क्या वेल ऑपरेटिंग या डाउन टाइम उसका बहुत ज़्यादा तो नहीं है, एज सच इन इफेक्टिव मैनेजमेंट तो नहीं है, ऐसी कुछ बातें आप वहाँ पे लिख सकते हैं. प्रोप्राइटी ऑडिट जो हमने एकदम शुरुआत में बात करी थी, एसी खरीदते समय सरकारी अफसर को ख्याल रखना चाहिए था कि वो क्योंकि जनता का पैसा है तो ख़ास तौर पर वो ध्यान रखे. क्या ध्यान रखे? That the decisions which it is taking should meet the public interest, the commonly accepted codes of conduct, and the also standards of conduct. And when I talk about standards of conduct, particularly I would apply those standards relating to professional performance, compliance with applicable laws and regulations, government regulations and policies, and professional codes of business. तो ईएल कोलर साहब ने इसी तरह से प्रोप्राइटरी ऑडिट को डिफाइन किया है, दैट मीट्स द पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमनली एक्सेप्टेड कोड ऑफ कंडक्ट एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल परफॉर्मेंस, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोफेशनल कोड. बेसिकली प्रोप्राइटरी ऑडिट में दोस्तों आप चार चीजें चेक करते हो. द एक्सपेंडिचर इज नॉट मोर देन व्हाट द ओकेजन डिमांड्स. There is no avenue kept for any kind of a personal benefit. It is not taken for the benefit of a particular individual. And the decision taken is not for your own advantage. तो एसी साहब ने गर्मी लग रही थी तो बोल दिया खरीदना है इसलिए खरीद लिया, गलत बात है. खरीदते समय हम कम में खरीद सकते थे, 100 की चीज हमने 120 में खरीदी, गलत है. हमने हमारे ऑफिस में काम कर रही रिलेटेड पार्टी के एंटिटी के यहां से उसे खरीदा, गलत है, हमें कॉम्पिटिटिव कोट्स मंगाना चाहिए. और हमने वो एसी खरीदा जिसमें लकी ड्रॉ में हमारी थाईलैंड की ट्रिप सिक्योर हो रही थी, पर्सनल एडवांटेज के लिए, गलत है. हालांकि प्रोप्राइटरी ऑडिट में देर आर ऑलवेज एलिमेंट्स ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व, तो कई प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है विद प्रोप्राइटरी ऑडिट. इट इज वेरी सब्जेक्टिव. Sometimes you may say that why have you allowed the director to travel in business class with public money? He could have traveled in economy class. Director says that business class I do save a lot of time in terms of saving the queue and etc. So please don't question that. पर हमें लगता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी. तो ऐसे में हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है उसका मोटिवेशन कम हो और फिर वो बोले कि यार वो डिसीजन मेकिंग बिजनेस के ऑपरेशंस इफेक्टिवनेस की जगह ऑडिटर के लिए जो चीज़ जस्टिफाइड है ये सोच के लेना शुरू करे तो उनका मोरल डाउन होगा. तो इसके लिए सीएनडीजी ने खुद ने कुछ प्रोफेशनल कोड्स डिफाइन कर रखे हैं जिसके अगेंस्ट में प्रोप्राइटरी को असेस किया जाता है और चेक किया जाता है, जो सीएनडीजी सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में आपको देता है, क्योंकि प्रोप्राइटरी अपने आप में एक मॉरल टर्म है एंड हेंस देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व एंड जजमेंट ऑफ ऑडिटर इज टेकन विच इज सपोर्टेड बाई दी सीएनडीजी गाइडलाइंस. आओ दोस्तों देखते हैं सीएनडीजी की रिपोर्ट कैसे दिखेगी. मैंने आपको बताया था रिपोर्ट किसको देगा, एड्रेस करेगा प्रेसिडेंट और गवर्नर को, देगा ये पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को. रिपोर्ट में होंगे चार भाग. सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन जिसमें बताया जाएगा थोड़ा बहुत गवर्नमेंट कंपनीज कॉरपोरेशन जिसका इस साल ऑडिट किया गया. दूसरे में जिन जिन का कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ऑडिट बोर्ड ने लिया है उसकी जानकारी दी जाएगी. तीसरे में गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट अगर किसी सीए ने किया है तो उसके ऑडिट रिपोर्ट की कुछ हाईलाइट्स दी जाएगी. और जिन एंटिटीज का कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट नहीं हुआ है उन एंटिटीज के चौथे भाग में सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स दी जाएंगी. ध्यान रखना कुछ 13 ऐसे स्टेट्स होते हैं दोस्तों जो बड़े बड़े होते हैं जिसपे रिपोर्ट दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, कमर्शियल और एक अदर्स. कमर्शियल में कमर्शियल रिलेटेड मैटर्स दिए जाते हैं और अदर्स में अदर मैटर. बाकी सारे स्टेट में ये पूरी रिपोर्ट कंबाइंड होती है. जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सीएनडीजी की जितनी फाइंडिंग्स उस रिपोर्ट से निकल के आई है वो सारी फाइंडिंग्स वो वहाँ पर देता है.
ये रिपोर्ट स्टेट लेवल पे भी दी जाती है और सेंट्रल लेवल पर भी दी जाएगी।